ओंकार सत्यनाम करता पुरख। तिलक जंजू राखा प्रवता का, कीनो बड़ो कलु महसा का। अमृतसर की पावन धरती पर जन्मे ऐसे धर्मात्मा शांति के पुंज, दया, त्याग और वैराग्य की मूर्त, जो मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। खुद तो कुर्बान हुए ही, बल्कि अपना सारा परिवार भी देश दुनिया की खातिर कुर्बान कर दिया। खुद का और अपने परिवार का जीवन संवारने के लिए इंसान तकलीफें सहता है तो यह एक साधारण बात है, परंतु जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण करने के लिए कुर्बानी देता है तो फिर यह एक असाधारण बात है। हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर हंसते हंसते अपना शीश भेंट कर दिया और मुख से उफ तक ना निकली, मुगलों के आगे अपना शीश ना झुकाया, उनका मुस्लिम धर्म स्वीकार ना किया, अपनी बात पर अडिग रहे। धन धन है ऐसी महान आत्मा। आप समझ ही गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिंद की चादर और सिखों के नौवे गुरु धन गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को सिखों के छठे गुरु श्री हर गोबिंद साहिब जी और माता नानकी जी के गृह में हुआ। अमृतसर का वह स्थान आजकल गुरुद्वारा गुरु के महल कहलाता है। आप जी के 4 भाई थे, बाबा गुरुदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनिल राय जी और बाबा अटल राय जी, और एक आपकी बहन थी जिनका नाम था माता वीरो जी। आप अपने भाइयों से सबसे छोटे थे। बचपन में आपका नाम त्यागमल रखा गया। आप बड़े ही होनहार, शांत स्वभाव और धार्मिक थे। 5 वर्ष की आयु होते ही आप जी ने भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी से शास्त्र विद्या ग्रहण की। साथ ही आपने घुड़सवारी और शस्त्र विद्या भी सीख ली। तलवार चलाने में आप जी को महारत हासिल थी। अक्सर आप अपने पिताजी के साथ शिकार खेलने भी जाया करते। 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के नेतृत्व में आपने मुगलों के साथ युद्ध किया। आपने पेंदे खान को तलवार के जौहर दिखाकर जीत हासिल कर ली। आप जी ने डरे सहमे गांव के लोगों को पेंदे खान के जुल्मों से निजात दी। युद्ध में जिस प्रकार आप जी ने तलवार के जौहर दिखाए, उससे प्रसन्न होकर आपके पिताजी ने आपको तलवार का धनी मानकर आपका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। 14 सितंबर 1632 ईस्वी में आप जी का विवाह करतारपुर के निवासी लालचंद और माता बिशन कौर जी की सुपुत्री माता गुजरी जी के साथ संपन्न हुआ। गुरु जी की साखी में दर्ज है, जब छठे गुरु हर गोबिंद साहिब जी को अपना अंतिम समय आता दिखाई दिया तो उन्होंने अपने पोते श्री हर राय जी को गुरुगद्दी के योग्य समझते हुए 19 मार्च 1644 ईस्वी में सिखों का 7वां गुरु घोषित कर दिया। उस समय माता नानकी जी ने अपने पति श्री हर गोबिंद साहिब जी से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा, हे महाराज, आप जी ने हमारे पुत्र तेग बहादुर जी की ओर ध्यान नहीं दिया। अंतर्यामी गुरु जी ने तब उन्हें वचन किया कि मेरे शरीर त्यागने के बाद आप अपने परिवार सहित अपने मायके गांव बकाला में बस जाना। समय आने पर पुत्र तेग बहादुर को गुरुगद्दी प्राप्त होगी। 19 मार्च 1644 ईस्वी को गुरु हर गोबिंद जी के अकाल चलाना करने पर माता नानकी जी अपने पति के वचन का पालन करते हुए गांव बकाला में परिवार समेत बस गई।
कहते हैं सारा दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी एकांत स्थान पर बैठे ध्यान में मग्न रहते। समय का चक्र चलता रहा। उसी दौरान सिखों के सातवें गुरु हर राय जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले अपने 5 वर्षीय पुत्र श्री हर कृष्ण जी को गुरुगद्दी के योग्य समझते हुए सन 1661 में सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया। जब गुरु जी की उम्र 8 वर्ष थी, कहते हैं तब दिल्ली में हजारों लोगों को गुरु जी ने चेचक के रोग से बचाया और फिर अंत में आप ही इस रोग से ग्रस्त हो गए। सन 1664 ईस्वी में आप जी ने दिल्ली में अपनी समूह संगत को अपने मुख से आखिरी वचन किया, गुरु बाबा बकाले। समूह संगत समझ गई कि गुरु जी का कहने का भाव है सिखों के 9वें गुरु बाबा बकाला गांव में हैं। माता नानकी जी जानती थी कि अब उनके पुत्र तेग बहादुर जी ही गुरु नानक देव जी की 9वीं ज्योत के रूप में प्रकट होने वाले हैं। गुरु तेग बहादुर जी सारा दिन ईश्वर ध्यान में लीन रहते। यह देखकर उनकी माता जी ने एक दिन उन्हें कहा, बेटा आप संगत में प्रकट होकर सभी को दर्शन देकर उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। गुरु जी ने कोई उत्तर ना दिया और फिर से समाधि में लीन हो गए। दूसरी तरफ गुरु हर राय जी का बड़ा भाई बाबा धीरमल, जो कि सन 1645 ईस्वी से ही गुरुगद्दी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, उनके पास आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि थी, जिसके चलते वे बाबा बकाला में गद्दी लगाकर बैठ गए और आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि होने का दावा करते हुए सभी को कहने लगे, मैं ही बाबा बकाले वाला गुरु हूँ। उनको ऐसा करते देख कई झूठे लोग अपने आप को गुरु कहते हुए अपनी अपनी गद्दी लगाकर बैठ गए। यह नज़ारा देखकर सिख संगत दुविधा में पड़ गई कि सच्चा गुरु आखिर कौन है। कहते हैं मक्खन शाह लुभाना नाम का एक व्यापारी, जो अक्सर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाया करता था, एक बार वह विदेश से जहाज पर माल लादकर आ रहा था। तब समुद्र में भयंकर तूफान आने से जहाज डूबने लगा। वह अत्यंत घबरा गया। प्रकृति के आगे बेबस होकर गुरु जी का ध्यान किया, हाथ जोड़कर अरदास की, मैं गुरु घर का सेवक हूँ, मेरी मदद कीजिए महाराज, और यह जहाज किसी तरह किनारे पर लगा दीजिए। मेरी मनोकामना पूरी होने पर मैं आपको 500 मोहरे भेंट करूँगा। मक्खन शाह की प्रार्थना जब अंतर्यामी गुरु जी ने सुनी तो उसका डूबता जहाज पार लगा दिया और इस प्रकार गुरु जी ने अपने सेवक की अरदास पूर्ण की। जहाज पार लगते ही मक्खन शाह ने अपना सारा माल बेचा और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर गुरु जी से मिलने पंजाब पहुंच गया। वहां आकर उसे पता चला कि सिखों के होने वाले 9वें गुरुजी बाबा बकाला में रहते हैं, लेकिन संतों को उनका नाम मालूम नहीं था। मक्खन शाह गुरुजी को ढूंढने बकाला गांव पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। बहुत से लोग गुरु के चोले में अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर अपने को बाबा बकाला वाला गुरु कहला रहे थे। तब मक्खन शाह ने विचार किया, जो गुरु अपनी मनोत की 500 मोहरे मुझसे मांग लेगा वही सच्चा गुरु होगा। उसने सभी गुरुओं के आगे दो दो मोहरे रखकर माथा टेका।
परंतु किसी ने भी उससे बाकी मोहरे ना मांगी। उसे समझते देर ना लगी कि यहाँ सभी ढोंगी ही बैठे हैं। तब वह सच्चे गुरु की तलाश में पूछता पूछता आखिर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंच गया। उसने उनके आगे दो मोहरे रखकर माथा टेका। मोहरे देखते ही गुरु तेग बहादुर जी ने हंसते हुए कहा, मक्खन शाह, तू 500 मोहरे गुरु घर की मन्नत मांगकर अब सिर्फ 2 मोहरे दे रहा है। तुम्हें गुरु घर की पूरी मनोत देनी चाहिए। गुरु जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यही सच्चे गुरु हैं और गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत हैं। वह खुशी से बाग बाग हो उठा। बिना एक पल गंवाए गुरु जी के आगे 500 मोहरे रखकर माथा टेका। अपनी इस खुशी को सारे जहान को बताने के लिए छत पर चढ़ गया और अपने हाथों में कपड़ा लहराकर जोर जोर से कहने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, अर्थात गुरु जी मिल गए। इस तरह सभी लोगों में यह प्रकट हो गया कि गुरु तेग बहादुर जी ही गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत हैं। 16 अप्रैल 1664 ईस्वी में गुरु जी को सिखों के 9वें गुरु की गुरु गद्दी सौंपी गई। गुरु जी का दीवान में प्रकट होकर बैठना सुनकर सिख संगतें उमड़ उमड़ कर आने लगी और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट अर्पण करके गुरु जी को माथा टेकती। संगतों का लगातार आना और भेंटे अर्पण करना देखकर गुरु हर राय जी के बड़े भाई बाबा धीरमल सारा चढ़ावा उठवाकर अपने घर ले जाते। इसी प्रकार कई लोग गुरु जी को अपना वैरी समझने लगे। गुरु जी का गुरुगद्दी पर बैठना उन सब लोगों को नागवार था। एक बार शीहे मसंद ने भी चिढ़कर गुरु जी को मारने के लिए उन पर गोली चलाई, जो खाली निकल गई और गुरु जी का पाल भी बांका ना हुआ। यह सब कुछ देखकर मक्खन शाह बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने साथ कुछ आदमी लेकर धीरमल के डेरे से गुरु जी के दरबार से उठाई गई सारी भेंटे वापस गुरु जी के पास ही पहुंचा दी और आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि भी वह साथ ही ले आया। जब यह बात गुरु तेग बहादुर जी को पता चली तो आप जी ने मक्खन शाह को समझाकर सारी वस्तुएं धीरमल के डेरे में वापस भिजवा दी। संगतों के सामने अपना इतना अनादर होता देख धीरमल खुद ही वहां से करतारपुर चले गए। एक बार मक्खन शाह की प्रार्थना सुनकर गुरु जी अमृतसर के दरबार साहिब में दर्शनों के लिए पहुंचे। कहते हैं दरबार साहिब में उपस्थित सेवादारों को जब पता चला कि गुरु जी मक्खन शाह के साथ दर्शनों के लिए आए हैं तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये गुरु बनकर मक्खन शाह की सहायता से दरबार साहिब पर अपना हक न जमा ले। इसलिए सेवादारों ने गुरु जी के लिए दरबार साहिब के द्वार बंद कर दिए। बंद दरवाजे देखकर गुरु जी ने मक्खन शाह को कहा, हमारा आना इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम और अधिक समय तक यहाँ ठहरना नहीं चाहते। इतना कहकर गुरुजी अकेले ही वहां से चलकर बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गए। तब से यह स्थान गुरुद्वारा थड़ा साहिब कहलाने लगा। शहर से बाहर जहां गुरुजी ठहरे वह स्थान दमदमा साहिब कहलाता है। कुछ समय गुरुजी मक्खन शाह की प्रतीक्षा करने लगे और फिर वल्ले गांव आकर रुक गए। वहां पर हरिया नाम की एक माता बड़े प्रेम से आप जी को अपने साथ अपने घर ले आई। उसने अपने कोठे में पलंग पर बिठाकर गुरु जी को विश्राम कराया और उनकी सेवा की। कहा जाता है गुरु जी
वहां एक रात ठहरे थे। आजकल आपकी याद में वहां गुरुद्वारा कोठा साहिब सुशोभित है और हर साल माघ की पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है। कहते हैं अमृतसर वासियों को जब पता चला कि दरबार साहिब के सेवादारों द्वारा गुरु जी का अपमान किया गया और आप जी को दर्शन भी नहीं करने दिए, तब वे लोग और सेवादार गुरु जी से क्षमा मांगने लगे। कहते हैं तब मक्खन शाह भी दरबार साहिब के दर्शन करके गुरु जी के पास लौट आया। वहां आए सेवादार तब गुरु जी से कहने लगे, हम तो केवल सेवादार हैं, आप गुरु घर के मालिक हैं, कृपा करके हमारी भूल माफ कर दीजिए। उनकी बात सुनकर गुरु जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया, नहीं मसंद तुम अमृत सरिये, तृष्णा अगंते अंदर सड़िए। अर्थात तुम अमृत सरिये मसंद कहलाने योग्य नहीं हो, अब से तुम केवल अपने हृदय में तृष्णा और पछतावे की अग्नि में ही जलते रहोगे। ऐसे वचन सुनकर मसंद और पुजारी पश्चाताप करते हुए वापस लौट गए। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि बाबा बकाला रहते हुए आप जी ने गोइंदवाल साहिब, किरतपुर साहिब, हरिद्वार, मथुरा, आगरा और गया जैसे तीर्थ स्थानों की यात्राएं करते हुए श्री गुरु नानक देव जी के दिए हुए उपदेशों को आधार बनाकर संगतों को नामदान से जोड़ते चले गए। इसके अलावा प्रयागराज में 6 महीने रुककर अगले स्थानों की संगत का उद्धार करने हेतु वहां से निकल पड़े। यात्राएं करने का केवल आपका एक ही उद्देश्य था कि भूले भटके लोगों को भ्रमों से निकालकर सच्चे प्रभु के नाम से जोड़ा जाए। कहते हैं 1666 ईस्वी में विवाह के 34 साल बाद आप जी के गृह पटना में बालक गोविंद राय का जन्म हुआ। आगे चलकर यह बालक सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। उन्हीं दिनों मुगल राजा औरंगजेब हिंदू धर्म का नाश करने पर तुला हुआ था। उसने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी हिंदू राज्य के किसी उच्च स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक लगाने के लिए सिर्फ हिंदुओं पर ही जजिया टैक्स लगाया जाएगा, साथ ही अनेकों टैक्स हिंदुओं पर लगा दिए गए। हिंदुओं से जबरदस्ती जनेऊ उतरवा दिए जाते। इतना ही काफी नहीं था, बल्कि औरंगजेब रोजाना 1.25 मन जनेऊ हिंदुओं से उतरवा कर ही रात का भोजन किया करता था। उसकी मनमानियां और अत्याचार दिनों दिन बढ़ते गए, जो हिंदुओं के लिए असहनीय हो गए। हद तो तब हो गई जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार करने आरंभ कर दिए। अनेकों मंदिर गिरवाकर उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई जाती थी। इतनी भयावह स्थिति से डरकर अनेकों हिंदू मुसलमान बनने लगे। जब कश्मीरी पंडितों को कुछ समझ न आया तो आखिर वे एकत्रित होकर गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आ पहुंचे। गुरु जी के आगे दुहाई देकर कहने लगे, हे सच्चे पातशाह, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। औरंगजेब की क्रूरता इतनी बढ़ गई है कि हमें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है और ऐसा ना करने पर हमें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जो मुस्लिम धर्म नहीं अपनाता उनके घर परिवार को जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है। हमारी बहु बेटियों की इज्जत भी दाव पर लगी है, इसलिए हे महाराज हमारे हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए। इतना सब कुछ सुनने पर गुरु तेग बहादुर जी गहरे विचार में खो गए। उस समय आपके 9 वर्षीय बालक गोविंद राय जी आप जी के साथ ही बैठे थे। उन्होंने पिताजी से कहा, आप क्या विचार कर रहे हैं? तब गुरु जी बोले, बेटा इस समय मुगल हुकूमत की तरफ से हिंदू पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू धर्म खतरे में है।
अगर औरंगजेब को ना रोका गया तब एक भी हिंदू नहीं बचेगा, बल्कि सब मुसलमान बन जाएंगे। इन कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो अपना बलिदान देकर यह धर्म बचा सके। पिताजी का ऐसा वचन सुनकर बालक गोविंद राय जी ने स्वाभाविक ही कह दिया, इस समय धरती पर पिताजी आपसे बड़ा और कौन ऐसा महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सके। अगर कुर्बानी देने से यह समस्या सुलझ सकती है तो पिताजी आप ही अपना बलिदान देकर कश्मीरी पंडितों की रक्षा करें। तब गुरुजी ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे बिना तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। इतने पर गोविंद राय जी ने कहा, माता के गर्भ में जिस प्रभु ने मेरी 9 महीने तक रक्षा की है वही आगे भी मेरी रक्षा करेगा। बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित हैरानी से पूछने लगे, अगर आपके पिताजी शहीद हो गए तो आप अनाथ हो जाएंगे। तब बालक गोविंद राय ने कहा, अगर मेरे अकेले अनाथ होने से लाखों बच्चे अनाथ होने से बच जाएं और अगर मेरी माता के विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच जाएं तो यह फैसला सही होगा, मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं है। अपने होनहार अबोध बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और पंडितों से कहा कि आप औरंगजेब को खबर भेजकर कह दो कि अगर हमारे आनंदपुर वासी गुरुजी इस्लाम धर्म कबूल कर सके तभी हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। पंडितों ने जल्द ही आपजी के अनुसार बादशाह को खबर भेज दी। तुरंत ही बादशाह ने गुरुजी को दिल्ली आने का निमंत्रण भेज दिया। गुरुजी अपने साथ कुछ सिखों को लेकर रास्ते में पड़ाव करते हुए संगतों को दर्शन देते आगरा पहुंचे। वहां पहुंचते ही बादशाह औरंगजेब ने चालाकी से आपजी को बंदी बनाकर दिल्ली पहुंचा दिया और बंदी गृह में बंद कर दिया। तब वहां बादशाह ने आपको एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि इस्लाम धर्म अपना लो और फिर सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा, सारे हिंदू भी आपको देखकर मुस्लिम बन जाएंगे और इस तरह जब सारे देश में एक इस्लाम धर्म हो जाएगा तो धार्मिक झगड़े अपने आप ही मिट जाएंगे। इतना सुनकर गुरुजी ने औरंगजेब के साथ एक वचन किया, तुम सारे देश में केवल एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि ईश्वर चाहे तो 2 धर्मों हिंदू और मुस्लिम की जगह 3 धर्म हो जाएंगे। औरंगजेब ने कहा, यह किस तरह हो सकता है। तब गुरुजी बोले, इस बात का फैसला करने के लिए तुम एक मण लाल मिर्चें साबुत जलाकर देखो, यदि जलने के बाद उनकी राख में एक साबुत मिर्च बच जाए तो भविष्य में एक ही धर्म प्रभु को स्वीकार होगा, और यदि 2 मिर्चें साबुत निकली तो कल को 2 धर्म होंगे, और अगर राख में से 3 मिर्चें साबुत निकली तो फिर समझ लेना कि इन 2 धर्मों से अलग 3रा धर्म भी बनेगा। गुरुजी की साखी में दर्ज है कि इस तरह जब मिर्चों का ढेर जलाकर औरंगजेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें 3 मिर्चें साबुत निकली। यह फैसला देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। कहते हैं जब गुरुजी ने किसी भी तरह मुसलमान बनना स्वीकार ना किया तो बादशाह ने आप जी के लिए संदेश भेजा कि अगर आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो कोई करामात दिखाएं। तब गुरुजी ने कहा, करामात तो कहर का नाम है जो हम नहीं करना चाहते। इतने पर बादशाह ने कहा, अगर आपने इस्लाम धर्म भी कबूल नहीं करना और करामात भी नहीं दिखानी तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। तब गुरुजी बोले, तुम्हारी पहली और दूसरी बात कबूल नहीं है, परंतु तीसरी बात कत्ल होना हमें स्वीकार है। इस समय गुरुजी के साथ कुछ उनके सेवादार सिख भी कैद थे।
जब गुरुजी ने इस्लाम धर्म कबूल ना किया तो औरंगजेब ने आपको डराने के लिए आप जी के सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को घोर कष्ट देकर शहीद करने का हुक्म सुना दिया। भाई मतीदास जी को काजी द्वारा आरे से चिरवाया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग में डालकर उबाल दिया गया। गुरुजी के सच्चे धर्मी सेवकों ने हंसते हंसते शहीदी दे दी। इनकी शहीदी के बाद गुरुजी को संदेश भेजा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो आपके साथ भी यही व्यवहार होगा। बाकी तीन सिख भाई गुरदत्ता जी, भाई उदो जी और भाई चीमा जी गुरुजी के पास ही रुके रहे। गुरुजी ने अपना अंतिम समय पास आता देख इन तीनों सेवकों को वचन दिया कि तुम अपने घरों को लौट जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे हाथों व पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ है और दरवाजों को ताले लगे हुए हैं, हम यहाँ से किस तरह निकल सकते हैं। गुरुजी ने वचन किया, आप इस शब्द का पाठ करो, काटी बेड़ी पगहूं ते गुरकीनी बंद खलास, और इस शब्द का पाठ करने के बाद आपकी जंजीरें अपने आप ही टूट जाएंगी और दरवाजों के ताले भी खुल जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। गुरुजी का वचन मानकर भाई उदो और भाई चीमा इस तरह आजाद होकर घर को चले गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गुरुजी अंतर्यामी थे और एक महान शख्सियत के मालिक थे, जिनके पास असीम शक्ति थी, जिनके द्वारा उच्चारण किए हुए एक शब्द में इतनी ताकत थी कि सारी जंजीरें खुल गईं और दरवाजे अपने आप ही खुल गए। अगर आप चाहते तो पलक झपकते ही जुल्मी के चंगुल से बच जाते। आपको इस संसार में कोई कैद करने वाला नहीं है, आपने तो बस निरंकार के हुक्म में रहकर तेरा पाना मीठा लागे के सिद्धांत पर खरे उतरे। भाई गुरुदत्ता जी अंतिम समय तक गुरुजी के साथ ही रहे। गुरुजी ने तब अपनी मस्ती में एक श्लोक का उच्चारण किया, संग सखा सब तज गए कोई न निभो साथ, कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। अर्थात जीवन के अंतिम समय में सभी संबंधी और मित्र साथ छोड़ गए हैं और जब किसी ने भी साथ नहीं निभाया तो इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ मुझे एक निरंकार परमात्मा का ही सहारा है। अपना अंतिम समय निकट आता देखकर आप जी ने आनंदपुर साहिब में अपने परिवार को धैर्य देने और प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए श्लोक लिखकर भेजे, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना जिह बिद जल को मीन। हमने यहाँ केवल एक ही श्लोक का वर्णन किया है। वास्तव में गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक के बंदी गृह में 57 श्लोक लिखे थे। यह वही श्लोक हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1426 में दर्ज हैं। इन श्लोकों की हम वीडियो बना चुके हैं, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके सारे श्लोक अर्थ सहित आप सुन सकते हैं। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि इन श्लोकों के साथ ही गुरु जी ने 5 पैसे और 1 नारियल अपने सिख के हाथ 1675 ईस्वी में आनंदपुर भेजकर 10वीं गुरुगद्दी अपने सुपुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दे दी। अंत में 24 नवंबर 1675 ईस्वी का वह काला दिन आ ही गया। आप जी को चांदनी चौक में सूर्यास्त के बाद औरंगजेब के हुक्म से
जल्लाद ने तलवार के एक ही वार से शहीद कर दिया। इस घोर अत्याचार के बाद तेज काली आंधी चली, पूरा आसमान लाल हो गया, जिसके अंधकार से गुरुजी के सेवक भाई जेता जी को अवसर मिल गया। उसने आप जी का पावन शीश मुगलों से छुपाकर अपने कपड़ों में लपेटकर लगातार 5 दिन चलकर आनंदपुर साहिब आपके परिवार को सौंप दिया, जहां आपके शीश को बड़े सम्मान पूर्वक वैराग्य और शोकातुल अग्नि भेंट कर दिया गया। आपकी याद में वही स्थान आजकल गुरुद्वारा शीशगंज कहलाता है। इस तेज आंधी का फायदा उठाते हुए एक और गुरु घर का सेवक भाई लखी शाह वंजारा अपनी बैलगाड़ी के माल में आप जी का पावन धड़ छुपाकर अपने घर ले गया और गुरु जी के शरीर का संस्कार करने के लिए उसने अपने सारे घर को आग लगाकर अग्नि भेंट कर दिया, ताकि मुगलों को शक न हो। उस घर के स्थान पर गुरु जी की याद में गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है, जो कि दिल्ली में स्थित है। गुरु साहिब जी ने अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म को बचाकर इस बात को साबित कर गए कि सिखी जात पात रंग नस्ल भेदभाव से कहीं ऊपर है। आप जी ने हिंद की चादर बनकर एक अधर्मी क्रूर शासक को उसकी औकात से परिचित करवाया। आप जी के अमर बलिदान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप जी ने कुर्बानी और वीरता का संदेश देकर पूरी दुनिया को बताया कि जब भी किसी पर मुश्किल समय आए तो अपना हित देखे बिना कुर्बान हो जाएं। ईश्वर हमें बुद्धि दे ताकि हम सब आप जी के दिखाए उन रास्तों पर चलकर अपना जीवन कीमती बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।